वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज भाई संडे हो, संडे के दिन मेम करने वाले जोमैटो। बट शनिवार को जो किया था भाई, घंटे के साथ साथ अर्निंग भी कम हुई थी हमारी। और फिलहाल जो भी चल रहा है जोमैटो में आजकल, वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था। और पहले वाली वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि भाई नुकसान हो चुका था भाई कस्टमर का। मतलब ऑर्डर मैं एकदम सही लेके गया था मैकडी से, और मैंने जैसे ही मतलब बैग से ऑर्डर निकाला गार्ड भैया को देने के लिए, उनके पास पहुंचने से पहले ही भाई थैला फट गया, वो सारा भाई ऑर्डर फट गया नीचे। तो भाई वो शायद वो लड़की का ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने शायद मतलब सेटलमेंट कर लिया होगा। मतलब ऑर्डर मतलब गिर गया तो अब क्या ही करना। तो गलती मेरी भी नहीं थी ना किसी की थी, बट जो मैकडी का जो पैकिंग होता है वो कागज़ का तो थैला होता ही है, वो कभी भी वही फट सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मैडम ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। और अगर यही ऑर्डर किसी लड़के का होता तो भाई साहब वो तो मेरे चेप ही हो जाता बड़ा गंदा, इतना मुझे पता था। वो फिर पता नहीं क्या क्या कंप्लेंट डालते, क्या डालते क्या नहीं डालता। लड़कों में बस यही होती है भाई, भिड़ने की पड़ी होती है किसी 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 न किसी बात पर। बट लड़की थोड़ा सोचती है कि हाँ जब गलती नहीं तो फिर क्या ही कंप्लेंट डालना, वो सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मांगते कि हाँ भाई प्रूफ मांगते कि क्या प्रूफ है कि गलती मेरी है या नहीं, तो मेरे पास भाई वीडियो थी उस टाइम की, फुटेज थी मेरे कैमरे में, मैं दिखा सकता था कि मेरी भाई कोई भी गलती नहीं है। तो फिलहाल जो हुआ था वो नुकसान हो चुका था। और शाम को फिर एक ही होटल लेके गया था रोनी रोनी से, फिर कोई भी होटल नहीं मिला, फिर सीधा मैं घर आ गया था। जो भी अर्निंग थी वो दिखा चुका था, और आज संडे है तो देखते भाई आज क्या ही अर्निंग होती है, क्या ही ऑर्डर मिलता है, और आज हमें कौन से एरिया में फेंक देता है और फिर वहीं पे काम कराता है। देखते रहते हैं, देखते हैं बाद में। तो मिलता हूँ आप सभी को मैं अपने पहले ऑर्डर के साथ पेट एंड वॉच। तो भाई रजौरी में आया हूँ, ऑनलाइन होते ही मुझे पहला ऑर्डर मिल गया भाई। मुझे लगा थोड़ा टाइम लगाएगा, आज यार कोई है ही नहीं सर, जो मेरे दोस्त यार खड़े रहते हैं दो एक दो, है नहीं कोई अभी, लगता है नहीं कोई, या तो फिर आएंगे नहीं आज। उनकी जगह मुझे ऑर्डर मिल गया ऑनलाइन हाथ से ही, पास से ही ऑर्डर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। केक है, सुबह सुबह पता नहीं कौन ही केक खाएगा अपने को, क्या है लेके जाना है दे देना है, खाए या फेंक के अपने को क्या करना है फिर। तो चलते भाई करते हैं इस ऑर्डर को पिकअप, और देखते हैं डिलीवर कहाँ पे करना फिर। तो भाई ऑर्डर तो मैंने कर लिया है पिकअप, वो है ये केक, उसको लेकर सुभाष नगर जाना। पर उससे पहले दिखाऊं मैं ये चेक को, अभी मैं दिखाता हूँ सेंट पे, ये अभी जो सजा रखा है ना यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया लग रहा है क्रिसमस का, पूरी शॉप पे लगा रखा है, मतलब शॉप के बाहर है शॉप के अंदर नहीं है। तो ये लेकर चलते हैं अपना सुभाष नगर, वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ये अच्छा लग रहा है मेरे को, पूरा डेकोरेट कर रखा है एकदम मस्त वाला। चलते हैं भाई इसको भी करते हैं हम डिलीवर सुभाष नगर में जाके। तो पहले ऑर्डर को करते हैं डिलीवर, और 27 रुपये से अपना खाता खुला है भाई, दिखा दे भैया है ना 27 रुपये से। नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया मैंने, बाकी देखते हैं सुभाष नगर से मिल जाएगा तो ठीक है, तो नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। ऑर्डर की बात की तो भाई ऑर्डर आ गया, पैसे मोल से ना हो यार, वहाँ से होगा तो बाइक ना खड़ी करने की बड़ी दिक्कत होती है, अब पैसे मोल से ही है। तो अंदर क्रिसमस भी लगा हुआ, वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं जल्दी फटाफट से, क्रिसमस का ट्री भी लगा होगा शायद अंदर, जो कि हर साल लगता है यहाँ पे। ये है पैसे, पैसे मोल के पास कोई भी भटकता हुआ दिख गया है ना भाई, ऑर्डर तो मिलना ही मिलना है उसको। पहले पार्किंग फ्री में हो जाती थी तो अंदर जाते थे हम, और अब गाड़ी मतलब उस टाइम खड़ी करनी पड़ती है जगह बनाकर, ये दिक्कत है बस। अब तो 30 रुपये लग जाते हैं पार्किंग के ही, हम 30 रुपये पार्किंग के देंगे तो हम कमाएंगे क्या भैया और खाएंगे क्या। तो भाई मैंने ऑर्डर तो पिकअप कर लिया, ये ऑर्डर है उसको लेके मुझे तिलक नगर जाना है, और यहाँ पर देखो क्रिसमस है ना मस्त, ये है पैसे मोल का क्रिसमस। ये रहा भाई, हर साल क्रिसमस चेंज होता है वैसे तो, ये लग रहा था स्टार।
और ये ऑर्डर भी लेके जाना अपने को तिलकनगर भाई। तो देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, काम के साथ चिल भी करना चाहिए थोड़ा बहुत। लिखा ना पैसिफिक, तो चलते भाई इसको भी डिलीवर कर देते हैं फटाफट से। तो फटाफट चलते हैं अब इसको करते हैं डिलीवर, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। इसको भी करते हैं डिलीवर, आ भैया पैसा दे दे, कितना दे रहे है, ठीक दे रहा है। अब देखते हैं भाई पश्चिम बिहार में भेजो मेरे भाई, पश्चिम बिहार नहीं जाना मेरे को, पश्चिम बिहार भेजता ना बड़ा गंदा फंसाता भाई, वहीं पे फिर घुमाता ही रहता है, जो एरिया नहीं है उस एरिया में भेज देता है। बिहार बच्चे में ही ऑर्डर आया भाई, न्यूराज कटोरिया भी घूम के आया हूँ, वहीं पे फिर जाना पड़ेगा मेरे को। चलो ले लेता हूँ, देखो लग भी रहा था कि यहीं से ऑर्डर मिल जाएगा। ओ वहीं पे जाना पड़ रहा है, पहले नहीं आते ये ऑर्डर, बाद में आना शुरू हो जाता है जब बंदा उतर के यहाँ कहीं आ जाता है। अभी तो मेरे को पता उल्टा घूमना पड़ता है, वो तो शुक्र है एक ये वाला रास्ता भी है जो वहीं पे जा रहा है। चलते हैं भाई वहाँ से भी करते हैं ऑर्डर पिकअप न्यू राज कचोरी से, और फिर देखते हैं कहाँ पे इसको देना है ऑर्डर। तो भाई पिकअप कर लिया, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, ऐसी जगह भेज दिया जहाँ मैं जाने ही नहीं सकता, निहाल बिहार भेज दिया बताओ। सुबह सुबह जितना बचना चाह सकता उतना बचता ही नहीं है कोई भी। क्या करे, जाना तो पड़ेगा यार। ऑर्डर करते भाई डिलीवर, कहीं कहीं ये ठीक ही है निहाल बिहार में भी, हो गया भाई नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर आया भी तो देखो कहाँ है, सारे रेस्टोरेंट तो पीछे रह गए हैं, बलजीत अमृत ने, हाँ बलजीत अमृतसर कुलचा है, पिकअप कर लेता हूँ, क्या करूँगा दिखाएगा तो बता दी वही दिखा दे कहाँ पे, नहीं दिखाएगा ऑर्डर पिक करने का बाद ही दिखाएगा ये तो। चलते भाई वापस घूम के ऑर्डर पिक करने, और क्या करने, अभी नहीं आता ना, मैं धीरे धीरे रजौरी की तरफ ही जा रहा था। वो तो इन्हें दे दिया यहाँ पे ऑर्डर, तो अच्छा ही है। अब चलते हैं पिकअप करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे उसको डिलीवर करना है। वही ऑर्डर मैंने पिक कर लिया, ये ऑर्डर है उसको ले गए भाई यार पश्चिम बिहार के अंदर ही जाना है वीनस अपार्टमेंट में, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ ना बचपुचा घर वापस उसी ही जगह मुझे फेंक दिया, गोल चक्कर के पास। गोल चक्कर है जो अपना पश्चिम बिहार का, वहाँ से जाना है सीधा। अब मेरे को लगता है आईडी बंद करनी ही पड़ेगी भाई, रजौरी में जाके खोलनी पड़ेगी क्योंकि जोमेटो मेरे को यहाँ से जाने देता ही नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर भी हो गया अपना डिलीवर, दो बिल्लियाँ देख रहे हो आपस में बिड़ने की फिराक में ही। तो चलो मिल गए पैसे, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब यहीं पे काम करूँ पश्चिम बिहार में रहकर, देखता हूँ कब तक पश्चिम बिहार में घुमाता है, बाजी बदल लिया साला, फिर देखा जाएगा अपने एरिया में जाने के लिए, अगर भेज देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं देखते हैं। रजौरी वर्ल्ड में आकर बस बैठा ही हूँ मैं, ऑर्डर दे दिया लॉन्डे ने, एक्सेप्ट कर लेंगे जो दिखता कैसे है भैया, बता दे भाई कैसे दिखता है। अब ऐसे सोना देखेंगे, यहाँ से निकलते हैं फिर चलते इसको करते हैं डिलीवर। यहाँ पे तो थोड़ी ट्रैफिक लग रही है मेरे को आगे, पर कोई बात नहीं चलते इसको पिकअप करते हैं फिर चलेंगे ड्रॉप करने। ऑर्डर भाई पिकअप कर लिया, वो ये है ऑर्डर, उसके अंदर पता नहीं क्या, ये मोटी पूरी सी बनी हुई है ये, तो इसको लेके आप जाना भाई अपना DLF बिल्डिंग, बहुत टाइम बाद आया भाई कच्चे पास का ऑर्डर, तो निकलते फटाफट से उसको करते हैं ड्रॉप और फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट ऑर्डर। तो भाई DLF बिल्डिंग में भी ऑर्डर करते हैं डिलीवर,
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑर्डर अपना। 47 रुपये मिल गए, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया। देखते हैं कब तक आता अपना नेक्स्ट ऑर्डर यहाँ से। तो भाई ये इसको भी करते हैं पिकअप, वो ये रहा ऑर्डर। इसको लेके पता है कितनी जगह लेके जाना है, नाम ही ऐसे से डाल रखे हैं, रेड MD फ्लैट्स, रजौरी गार्डन, टागोर गार्डन, दो दो जगह लिखा हुआ है, पर जाना कहाँ ये ही नहीं पता मुझे, ये तो बाद में पता चलेगा। तो चलते हैं, इसको भी करते हैं डिलीवर चल के। रजौरी गार्डन की तरफ जा ही रहा था वैसे तो, मैं पहले ही ऑर्डर दे दिया। चलते भाई इसको भी करते हैं अब डिलीवर, और फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है और कहां से आता है कहां का नहीं। ये ऑर्डर करते हैं डिलीवर। अरे यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली पहले खड़ी मेरे पास, मेरे साथ कुत्ता है, भागते भागते मैंने बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली फिर भी इतनी ढीठ वहीं जाके खड़ी हुई थी, जा ही नहीं रही थी। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट ऑर्डर, यहाँ से निकलते हैं। ये बात है कि हाँ यहाँ पे रेड फ्लैट लिखे ना तो सारे रेड ही रेड है, वो एक ग्रीन फ्लैट है थोड़ा हाँ आगे, इसकी पहले पड़ता है, वहाँ के जितने भी फ्लैट है सब ग्रीन है। ऐसे है भाई। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर। सुबह से भाई अब जाके कोई ठीक ठाक ऑर्डर आया मेरे पास, ये तो पता नहीं कैसे कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। पर ये है कि 9 किलोमीटर भी तो जाना है ब्रो, पर 9 किलोमीटर जाया किधर लेकर ये नहीं पता, कहीं ऐसी जगह ले जाए फिर से रोहनी के साथ ठग दे। बाकी देखते हैं, यहाँ से रोहनी तो नहीं पड़ेगा, बाकी जोमेटो मालिक है कहाँ बेचता है कहाँ नहीं, देखते हैं। पहले ऑर्डर पिक करते हैं उसके बाद बताता हूँ कहाँ लेकर जाना ऑर्डर को। तो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, ऑर्डर है उसको लेकर प्रीतमपुरा जाना है हर्ष विहार। तो चलते हैं इसको करते हैं ड्रॉप, और फिर देखते हैं वहाँ से अगर ऑर्डर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वही बात नहीं, देखा जाएगा फिर। ऑर्डर करते हैं डिलीवर, देखते हैं कितना मिला है, रिटर्न पे कुछ मिला है या नहीं मिला। 7 रुपये रिटर्न पे, टोटल 97 रुपये का ऑर्डर। एक गिग और बुक करनी पड़ेगी बिरो, कहाँ गए भाई संडे है ना। अब देखते हैं 6 बजे तक क्या काम देता है। अपने पास आ चुका भाई एक और ऑर्डर, वो 99 का था, ये 92 का है। तो ये बंसल स्वीट से उठाना है आगे जाके गाइड में। तो चलते हैं भाई इसको भी पिकअप करते हैं, और फिर देखते हैं इसको डिलीवर कहाँ पे करना है। और अपने तो भाई ये जिस बुक कर ही ली है, 4 से 6 वाली भी, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है ऑर्डर, और उसमें कचौड़ी है, तो उसको भाई पटेल नगर लेके जाना है। तो भाई रिटर्न का ऑर्डर तो चलो मिल ही गया, अपन पहुंच चुके हैं, ऑर्डर भी डिलीवर कर देते, ऑनलाइन कर दिया रिसीव, मतलब ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। इसमें कितने मिलते हैं, 8 रुपये, पहले मैं 9 रुपये फिर 8 रुपये, ये हो गया 100 रुपये का ऑर्डर। मज़ा आएगा भैया, नेक्स्ट करते आ भी गए पटेल नगर से। कौन कहता है कि ऑर्डर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, केरला किचन में जाना है मुझे। ऑर्डर को मैंने पिकअप कर लिया, ये ऑर्डर है उसको भाई करमपुरा लेके जाना है DLF बिल्डिंग शायद फिर से। चलो भाई चलते हैं यहाँ से, फिर से इन्हें मुझे बाहर निकाल दिया, केले के छिलके के साथ दिया गया इसने कुछ। बिरयानी है मेरे हिसाब से शायद इसमें, बच्चे छोटी पन्नी कह देते हो जिसमें कि गांठ ही ना लगे, हम फिर भी गांठ लगाएगा, इसको लग देते हैं अंदर। इस बार कौन से टावर में जाना है जरा देखूं, गेट OTP दे रखा है पर हम देख थोड़ा ना, जे ब्लॉक जाना है हमने, जे टावर में
पे आ गया भाई बाहर निकलने से पहले ही। सागर रतन ये कहाँ है भाई? ये तो यहीं कहीं बता रहा है डीएलएफ में। ये तो यहीं कहीं बिल्डिंग में है यार सागर रतन। यहाँ पे कहाँ है? इन बिल्डिंगों में कहाँ ढूंढूंगा भाई मैं? देखते हैं भाई कहाँ है ये सागर रतन। मैंने भी जहाँ तक कि हल्का हल्का सा देखा हुआ है, बाकी पता नहीं है। चलो अच्छा है यहाँ से ही ऑर्डर मिल गया है तो चलते हैं भाई, इसको भी पिकअप करने चलते हैं और फिर डिलीवर देखते हैं कहाँ पे करना है इसको, कौन से एरिया में जाकर। अपना एक और ऑर्डर हो चुका है पिकअप, वो ये रहा ऑर्डर। ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई है, नई नई जगह में यही होता है। सेकंड फ्लोर में था तो उसको लेके हमें जाना है वेस्ट पंजाबी बाग। तो चलते हैं फटाफट से इसको करते हैं डिलीवर और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर। तो करते हैं भाई डिलीवर। कैसी कैश दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है इतना कैश? कहाँ लेके जाऊंगा इतना कैश मैं? 55 रुपया दे दिया। एक और ऑर्डर आया मेरे पास, 88 रुपये का ऑर्डर है भाई साहब। इस टाइम कहाँ भेजेगा भाई? आधे घंटे में देख रहे हो कहाँ भेजे इन्हें। चलो उठा लिया मैंने। अब ये कहाँ है? आधे घंटे में भी दूर फेंक दिया इसने मेरे को। भेजा कहाँ है? अपार्टमेंट है कोई, बाकी देखते हैं कहाँ पे है ये। चलते भाई इसको भी उठाते हैं चल के। इधर से ही आएगा। हाँ आधे घंटे में थोड़ा सा दूर भगा दिया मेरे को, पर कोई बात नहीं, पैसा तो मिल रहा है ना मेरा, पैसा तो मिलना चाहिए। तो चलते हैं भाई इसको भी करते हैं ऑर्डर पिकअप और फिर करते चलते हैं डिलीवर। हाँ तो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया, ये रहा ऑर्डर। और उसको भाई इस टाइम लेकर रोनी जाना है, देख लो इन टाइम पे ही दूर भगा दिया इसने मेरे को। रोहनी सेक्टर 9 है शायद, मैंने जहाँ तक की देखा है। और रात में यहाँ ट्रैफिक होना शुरू हो जाती है ना, तो कहाँ गया रे? अपार्टमेंट है कोई, ओवरटेस अपार्टमेंट। तो देखते हैं कहाँ से लेकर जाएगा ये रोहनी मेरे को। देखो कितना ट्रैफिक बता रहा भाई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बता रहा है मेरे हिसाब से। नहीं से जाकर देखूँ क्या, क्या पता यहीं से जाना पड़े तो 24 मिनट लगेंगे ट्रैफिक का सामना सुनना करते करते हुए। ज़्यादातर जोमेटो में राइडर अब आ रहे हैं रात में, क्योंकि रात में फायदा है, ऑर्डर भी मिलेगा अलग से पैसे भी मिलेंगे। ये फायदा है, दिन के मुकाबले रात में ऑर्डर कम करने पड़ेंगे और पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे। ये है रात में काम करने का इनका फायदा। और मैं दिन में ही काम करता हूँ, रात में मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर ट्रैफिक का बड़ा झंझट होता है यार। ट्रैफिक का झंझट ना हो ना तो आराम से काम भी कर लिया जाए, मज़ा आ जाए। चलते हो इसको डिलीवर करते हैं। और मैंने तो फिर इसके मतलब गिग क्या वो लास्ट से कर दिया मैंने, ये सिर्फ जैसे ही मतलब ऑर्डर डिलीवर करूँगा ऑटोमेटिक ही ऑफलाइन हो जाऊँगा मैं इसमें। चलते कर दिया है इसको डिलीवर, 6:15 हो गए, घर जाने में टाइम लगेगा भाई अपने को। 70 रुपये मिला भाई रिटर्न पे, कुछ नहीं मिला भाई, 95 रुपये खाली मिले हैं। भाई साहब देख रहे हो कितने कितना चल रहा है तेज।
बाकी रनिंग वनिंग तो घर जाके दिखाऊंगा। अब हो चुकी है भाई पूरी तरीके से रात और भर चुकी है ठंड, हाथ में लग रही है भाई मेरे को हवा। रात में वही बंदा कर सकता है भाई जिसके पास ग्लव्स व्लव्स हो, वैसे तो मेरे पास भी सब कुछ है, पर रात को यार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी पता चल गया कि रात में ही मेरे को रजौरी से कहाँ फेंका, सीधा रोहनी की साइड फेंका है। वो अगर मैं रात में काम करूँगा तो ये तो रात में मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ दिल्ली उल्ली दिल्ली से बाहर ही फेंक दे। इसलिए अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। और आज मैंने एक भी ऑर्डर को डिनाई नहीं किया, एक भी ऑर्डर को, सारे ऑर्डर कंप्लीट करे मैंने सारे। आज जोमेटो वाला खुश हो गया होगा कि बंदे ने आज एक भी डिनाई नहीं किया, क्या बात है। अपने को भाई आधा घंटा लगने वाला है, आधा घंटा या 35 मिनट मान के चलो लगने वाला है, जो कि यहाँ से हूँ मैं 13 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे अब घर की साइड, बाकी घर जाके बात करते हैं क्या रनिंग रही है, क्या रहा है सब कुछ वगैरह 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 सब। खुली रोड मिल रही है, सही जाने में मज़ा आ रहा है। तो भाई फिलहाल अभी ये सीन हो गया था कि मैं घर जा रहा था और पेट्रोल पंप का सामने मेरा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, और पेट्रोल डलवाने के बाद भी भाई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो पहले मुझे लगा ना कि गाड़ी बंद हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो पेट्रोल मैंने टैंक खोल के देखा तो भाई टैंक भी कुछ सूख गया। तो मैंने पेट्रोल डलवाया तो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला चलो थोड़ा और डलवा लेता हूँ। फिर मैंने अंकल से बोला चाल निकले, तो उन्होंने तेल चेक किया तो बोलते तेल तो सही है उसमें, तो मैंने चालू क्यों नहीं हो रही है। तो पेट्रोल पंप के पास ही यार बाहर ही एक लड़का बैठा हुआ था, वो शायद मैकेनिक है, तो उसने गाड़ी चेक करी है। तो इसमें पता नहीं क्या ही फॉल्ट आया हुआ था, मतलब कि इसमें वो क्या कहते, मेरे को इतना नहीं पता बाइक के बारे में, नॉलेज नहीं है इतना। तो उस भाई ने दोनों साइड से निकाले, प्लग होता ना करंट का वो निकाला, और बैटरी इसकी लो हो चुकी है, तो इतनी दिक्कत हो चुकी है इसमें, इतनी इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है यार काफ़ी ज़्यादा, चार्ज भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अब गाड़ी में दिक्कत आ गई है, क्या करेंगे अब, मैं इतनी लेट घर जा रहा हूँ सब कुछ सही कराने के बाद, गाड़ी वाड़ी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, पता नहीं कैसे चार्ज होगी। सेल्फी ठीक लगती है मेरे को, तो भाई वो पिक मारने में बड़ा दिक्कत होती है मेरे को, तो मुझे अच्छी नहीं लगती है सही बताऊँ तो पिक मारना। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है, घर जाते हैं अब। जितनी जल्दी मुझे घर जाना था मैं आज उतना ही लेट हो गया। गाड़ी भाई कभी भी धोखा दे जाती है, क्या करें। हालांकि इसकी अभी तीसरी सर्विस रहती है अगले महीने की, तो मैंने सोचा चल जाएगी, अब मुझे क्या पता है पहली दिक्कत देने लग जाएगी ये गाड़ी। अब फटाफट निकलते हैं घर, पता चले फिर से कहीं गाड़ी बंद हो गई ना तो हो गया काम। फटाफट से निकलते पीला गाड़ी से होते हुए पश्चिम यार से अपने एरिए में, वहाँ भी बंद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ बंद भी होती तो भी कोई टेंशन नहीं थी मेरे को। अच्छा और रोहनी के साइड बंद नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा लंबा घूम के आना पड़ता है हमको, पैदल गाड़ी घसीट के लानी पड़ती है मेरे को काफ़ी दूर तक। तो फिलहाल चलते हैं वही घर, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अब चलती है गाड़ी नहीं चलती है देखेंगे अभी। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे, और जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने आपको बता ही दी थी, पहले ही बता दिया कि भाई आप बाइक मेरी बंद पड़ गई थी, चालू ही नहीं हो रही थी, और उसकी बैटरी भी लो हो चुकी थी, मुझे लगा बैटरी लो हो गई तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने पेट्रोल भी डलवाया, पेट्रोल डलवाने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने मैकेनिक को दिखाई तो उसने भाई अंजर पंजर थोड़े दो चार खोले उसके, फिर उसने किक मारी, किक मारने से भी स्टार्ट नहीं हो रही थी मेरी बाइक। तो नाइट में काम करने के, नाइट में काम करने का फ़ायदा भी है और माइनस पॉइंट भी है, वो ये है कि भाई नाइट में अगर हम दूर कहीं पार्सल मतलब ऑर्डर देने चले जाते हैं, अगर वहाँ पे कहीं ऐसी दिक्कत हो गई तो भाई रात में तो मैकेनिक भी नहीं होते हैं, तो गाड़ी किस तरह ठीक करवाएंगे हम। तो फिलहाल अभी तो टाइम मेरा था ठीक था,
6:30 बज रहे थे, नहीं 6:30 के बाद ही ये हुआ था मेरे साथ। तो इस टाइम तो बहुत सारे दुकानें खुली होती हैं, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले होते हैं, वो बात अलग है। तो ये माइनस पॉइंट है भाई, पैसा तो है जोमेटो में, मतलब डिलीवरी बॉय में पैसा है, बट नाइट में थोड़ा बहुत रिस्क भी है। अगर किसी ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ पे भाई दूर दूर तक कोई दुकान ना हो, तो भाई गाड़ी घसीट के लानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 6 घंटे में जितने भी मैंने अर्निंग की है, तो वो मैं आपको बीच में दिखा दूँगा, क्लिप डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। आज फोन की स्क्रीन में और दिखाता हूँ भाई, आज की जो अर्निंग है वो ठीक ठाक हो गई है, काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो 6:30 घंटे में मैंने 670 रुपये की अर्निंग करी है। अगर ऑर्डर पे की बात करूँ तो 647 रुपये की है, और रिटर्न पे मुझे 23 रुपये मिला है, जिसका टोटल होता है 670 रुपये 11 ट्रिप। और आज मैंने एक भी डिनाई नहीं किया था। तो पहला ऑर्डर मुझे 27 रुपये का मिला, फिर 37 का, फिर 58, फिर 42, फिर 47, फिर 48, फिर 47, फिर 16, फिर 59 का, फिर 55, लास्ट में 95 रुपये का, जो कि मुझे लास्ट में इन्हें मुझे दूर भगा दिया था, मतलब कि रोनी की साइड भगा दिया था। तो आज की जो अर्निंग हुई है भाई बेस्ट हुई है, बस 30 रुपये कम रह गए थे, 700 रुपये पूरे हो जाते, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जो भी मेरी अर्निंग हुई थी मैंने आपको दिखा दी है। आज मैंने एक भी ऑर्डर मैंने डिनाई नहीं किया, तो आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना था, तो आज मैं उतना ही लेट हुआ हूँ, तो कोई बात नहीं, घर तो पहुँच ही गया हूँ। तो बाकी यही बात हुआ है, जो हुआ था मैंने बता दिया। बाकी अब आज जो वीडियो थी वो यहीं तक के लिए थी। अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।